चार्ल्स डार्विन ने एक शिप जिसका नाम एचएमएस बीएगल था, इसमें एक सी वॉयज करी राउंड द वर्ल्ड। इन्होंने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को ऑब्जर्व किया बच्चों, और ये कंक्लूड किया कि जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स है दे शेयर सिमिलैरिटीज बट टू अ वेरिंग डिग्री, नॉट ओनली अमंग द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स बट ऑल्सो टू द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इन्होंने कहा कि विद टाइम बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो गई और बहुत सारे न्यू लाइफ फॉर्म्स भी आई। अर्थ पर ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ लाइफ फॉर्म्स का। इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली फिट है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन करेगी। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी कहा, नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट, और चार्ल्स डार्विन की नजर में बेस्ट का मतलब था जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट है। इसी तरीके की क्विक रिविजन वीडियोज के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी 80s।